हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, दुल्हन का वलीमे वाला जोड़ा ख़रीदने। तो रिसेप्शन में जो पहनाते हैं वो जोड़ा, देखते हैं क्या पसंद आता है, लहंगा या शरारा या फिर जो गाउन, जो भी अच्छा लगे वो ख़रीदेंगे। तो चलिए आज छोटा सा एक व्लॉग ही कर लेते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं अभी मार्केट में ही, ठीक है? सब फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट। तो यहाँ पर ये है मेरी सिस्टर, कहाँ उतरेंगे? हम दोनों पीछे से चल रहे हैं, कहाँ तो उतरेंगे? कैमरा मेरे हाथ में है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, लहंगा खरीदेंगे भाभी के लिए वलीमे वाले दिन के लिए। यहीं से हम लोग ने सामने से ऑटो पकड़ लिया, ऑटो में ही जाना है क्योंकि करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आज देख सकते हो इतना प्यारा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, तो एकदम ठंडा था, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं थी। तो यहाँ पर आ गए हम मार्केट में। यहाँ वाले जो भी होंगे मार्केट को देख के पहचान गए होंगे कि हम लोग कौन से मार्केट में आया है, कौन से बाज़ार में आया है। तो देख कर ही पहचाना, जिन जिन्हें पहचाना है कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम कहाँ पर आए हैं और कौन से मार्केट में आए हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं, बस खाली आज हम लोग लहंगा ही चूज़ करेंगे और लहंगा ही देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि उसी को देखने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम लोग पहले भी देख कर चले गए थे। तो ये वहाँ पर देखो, ये सारे शॉप्स है, सारे नेकलेस, ये वो सब जो भी है। तो गाइस बताना मुझे, मैं कौन से मार्केट में हूँ। जो जो इसमें मेरी वीडियो देख रही है गर्ल्स, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि हम कहाँ पर हैं। तो अभी हम डायरेक्टली लहंगा वाले जो ये है शॉप है वहीं पर जाएंगे लहंगा देखने के लिए भाभी का। हम लोगों को रिसेप्शन के हिसाब से चाहिए लहंगा, तो रिसेप्शन के लिए ही ले रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर इंटर होंगे, देख सकते हैं आप। इन ये भाई के पास पार्टी वेयर भी लहंगे थे और दूसरे भी थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप कट हो गई, तो यहाँ पर वो भाई ने बताया मुझे, लहंगा देखिए ये। मुझे बाद में याद आया कि मुझे शूट करना था, तो बहुत सारे लहंगे उन्होंने पहले ही बता दिए थे। तो ये रेड कलर है गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। रिसेप्शन के हिसाब से हमें रेड नहीं चाहिए था, कोई और कलर चाहिए था, बट दो कलर ऑलरेडी हमने उनको दे दिए थे भाभी को। तो ब्लू भी बहुत अच्छा था रिसेप्शन के हिसाब से, ब्लू एंड जो एक मेहरून बताएंगे भाई, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था, कुछ जज नहीं रहा था उसमें। तो वही फिर वो बताते ही जा रहे थे भाई। तो ये भी बहुत प्यारा था, डिज़ाइन अलग थी, रेड कलर ही था। तो हम लोगों का प्लान था कि कोई ग्रीन कलर का ले ले, बट डे जो दोपहर के हिसाब से जो फंक्शन था उसमें ऐसा कुछ इतना खास नहीं लगा होता। ये रेड कलर होता है ना गाइस कभी कभी, कि कोई चीज़ हम देख लें तो हमें वही चीज़ पसंद आती है दोबारा। हम कितने भी अच्छे कोई भी कपड़ा देख लो तो हमें कोई भी ड्रेस पसंद आनी नहीं है। जो फर्स्ट टाइम हम लोगों को मतलब वो ड्रेस देखते हैं ना, तो हमें वही पसंद आता है। तो ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, कोई डिफरेंट लग रहा था। तो गाइज़ ये कलर हम लोगों ने मेरी भाभी को ईदी में दे दिया था, ये ड्रेस, ऐसा कलर का ड्रेस जो वाइन कहेंगे हम इसे या मैरून कहेंगे, वो आपको वीडियो में ब्लैक दिख रहा होगा, बट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो सोचा यही कलर ले लेना, लेकिन ये कलर फिर दो दो हो गया था गाइस, क्योंकि गाउन और शरारे में क्या डिफरेंट है, उस दोनों तो लंबा लंबा ही होता है। ये मेरी सोच है, सबकी अपनी अपनी होती है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वही कलर का मसला था इसलिए हम लोग ने। लेकिन सारे जो ये लहंगाज है आपको गाइस देखो, सेम ऐसा कलर का गाउन हमने उसको ईदी में दिया था। तो भाभी अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो भाभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, दिया कि नहीं दिया। तो यही, अभी ये कोई दूसरे कस्टमर आए थे जो पार्टी वेयर लहंगा देखने के लिए, तो वो भाई शॉप वाले भाई उनको पहले लहंगा बता रहे थे। तो पार्टी वेयर भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, मेरी सिस्टर का लहंगा और हमारा मेरा लहंगा, हमने यहीं पर से लिया है। तो मीन्स तो ये रेड में हमारी जान अटक गई थी, तो यही रेड पहन के देख रहे हैं। तो देखिए आप भी साथ में।
बहुत प्यारा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनल सिलेक्ट हमने ये रेड ही कर लिया था, तो अभी फ़िलहाल देख रहे थे क्या कैसा लगता है, कैसा लुक आता है इसमें। आपको कैसा लगा आप भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आपको इतने भाई ने तीन चार जो लहंगा बताया उनमें से कौन सा अच्छा लगा आपको, तो आप भी मुझे बताना। मुझे बाकी सब कुछ अच्छे लगे, सभी अच्छे लगे, बट रेड इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ना गाइज। आपको कैमरे में शायद से कुछ नहीं लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा आप भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपको अच्छा लगा या नहीं, इसकी डिज़ाइन वगैरह कैसी लगी आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। फर्स्ट टाइम ही मैंने, सबसे पहले भाई ने यही शरारा बताए थे, जो लहंगा है यही बताए थे और मुझे यही पसंद आया था। बाद में उन्होंने और दो तीन चार पांच बताए थे, लेकिन वही मुझे जो पहले पसंद आया वही। और भाभी से पहनकर बहुत प्यारी भी लग रही थी। तो ये मैं शादी होने के बाद में वॉइस ओवर कर रही थी, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा है ये लहंगा। ये फुल रेड नहीं है गाइज, ये चेरी रेड कलर होता है, वैसा रेड है, तो देख सकते हो आप, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यही है इसका फाइनल लुक। अगर आपको गाइज छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं घर, देख सकते हो आप, अंधेरा हो चुका है, इतनी ट्रैफिक है। तो खैर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।